मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य स्तरीय जिला कमेटी की कॉन्फ्रेंस व सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कार्यालय में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वक्फ बोर्ड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें जिले में पंजीकृत वक्फ बोर्ड संपत्तियों की संख्या व उनके प्रबंध हेतु व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई तथा आए हुए वक्ताओं ने शासन एवं प्रशासन के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में सारे कानूनों की बारीकी से जानकारी दी। इस मौके पर सीईओ जिला भोपाल जमील खान, शहर काजी मुश्ताक अली, वक्फ बोर्ड के प्रशासक दिलीप यादव तथा जिला राजगढ़ से वकील एहतशाम सिद्दीकी राजगढ़ और जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अजीज मौला मौजूद रहे। हमारी एक तरह की ट्रेनिंग है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को किस तरह से हिफाजत किया जाए, उसमें आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सारे जिलों के जिला कमेटी को बुलाया है और ये ऑफिशियल हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर हमारी ट्रेनिंग है। सर, एक आज एक पेपर में एक मामला है कब्रिस्तान को लेकर भोपाल के अंदर, बारे में सीओ साहब से बात करें। ठीक, हमारे साथ राजगढ़ जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष अजीज मौला साहब भी हैं। जी सर, आज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा यह प्रोग्राम रखा गया, उसमें वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियाँ हैं उनकी कैसे हिफाजत की जाए, वक्फ बोर्ड को कैसे जिंदा किया जाए, और जो लोगों ने वक्फ बोर्ड पूरा मध्य प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड है वो सारी वक्फ संपत्तियों के ऊपर अपना अधिकार रखता है। और आज जिला सदरों की मीटिंग बुलाई गई है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा।